नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत, आप देख रहे हैं बागवानी किचन गार्डन सेंटर का एक नया एपिसोड। आज के सेशन में बात करेंगे दोस्तों होंडा पावर्ड ब्रश कटर के बारे में। इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों जो होंडा का इंजन है वो इस तरह की बॉक्स की पैकिंग में आता है, और जो पूरा ब्रश कटर है वो अलग बॉक्स की पैकिंग में आता है। फटाफट से सारा कंटेंट खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या हमें बॉक्स के अंदर मिल रहा है। तो ये सारा कंटेंट जो है वो हमें बॉक्स के अंदर मिल रहा है, और फटाफट से इसे असेंबल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है होंडा पावर्ड ब्रश कटर। ये ब्रश कटर में हमने होंडा का GS50 इंजन लगाया है, और यहाँ हमने जो क्लच ड्रम यूज़ किया है वो डबल बैरिंग वाला यूज़ किया है। अच्छी क्वालिटी की हमने इसमें रॉड लगाई है। इसके अंदर जो ड्राइव शाफ्ट है वो भी हैवी ड्यूटी लगाई है, और यहाँ पर आपको दो हुक दिख रहे हैं ताकि आप अपनी हाइट के हिसाब से किसी में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने सॉफ्ट कुशनिंग का यूज़ किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का होल्डर लगाया है, और हैंडल बाइक स्टाइल में है जो कि सॉफ्ट क्वालिटी में है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें सेफ्टी गार्ड लगाया है, और हैवी ड्यूटी इसमें हमने गियर केस असेंबली का यूज़ किया है, और बढ़िया क्वालिटी का इसमें टैप एंड गो यूज़ किया है। इसमें आपको टू टीथ ब्लेड देते हैं, एक टूल किट मिलेगी, और एक आई प्रोटेक्शन गियर, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इंजन की, और ये जो हार्नेस टांगने वाली वो डबल शोल्डर वाली रहेगी। अब अगर मैं इंजन की बात करूं तो ये होंडा का GX50 इंजन है। ये स्टार्टर, यहाँ से हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये पेट्रोल टैंक का कैप है, ये पेट्रोल टैंक है वाइट कलर का। ये फ्यूल पाइप, ये कार्बोरेटर, ये एयर फिल्टर असेंबली, ये ऊपर का कवर। इसका डिज़ाइन पहले से बहुत बेहतर कर दिया है, और आगे भी अब इसमें होंडा की मार्किंग आने लगी है। इसके स्पेक्स की बात करूं तो ये जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC गैसोलाइन इंजन है, जिसका बोर का स्ट्रोक है 43/33 mm, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 47.9 सेंटीमीटर का है। कंप्रेशन रेशियो 80:1 का है, और नेट पावर जो ये जनरेट करता है वो 1.47 किलोवाट, जो कि 2 HP की रहती है 7000 RPM पे। इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो 0.63 लीटर्स का है, और इस इंजन का स्पेसिफिक इंजन का वेट देखें तो 4.13 kg का है। पूरे ब्रश कटर का अगर हम वेट देखेंगे तो करीब 8.5 किलो के आसपास बैठेगा। तो दोस्तों ये थी इस मशीन की सारी स्पेसिफिकेशंस। इस मशीन का डेमो मैं आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ब्रश कटर का ऑपरेशन देखा हुआ होगा। ये सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल ब्रश कटर करता है, बस ये है कि ये 4-स्ट्रोक है और इसमें पावर ज़्यादा है। अगर आपको ये मशीन पसंद है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। Thank you.